हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। और मैं कांता, मेरे पास ये रियो प्लांट है, इसको बोट लिल भी बोलते हैं, रियो प्लांट भी बोलते हैं। इसके वैसे कई नाम हैं और भी इसके कई नाम हैं। तो ये देखिए, अभी बरसात के बाद ये बहुत अच्छी सी इनमें रूट भी आ जाती है और अच्छे से ये ग्रो भी कर रहा है। तो इसको हम पानी में ग्रो करेंगे। पानी में ग्रो कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगी। और इसकी ये देखिए कितने सारे पप्स निकले हुए हैं। ये इधर से भी देखो कितना नीचे आया हुआ है, इधर से इसकी रूट भी निकली हुई है, ये रूट भी निकली हुई है, इधर से बहुत सारी रूट निकली हुई है। ये देखिए आप, जहाँ भी देखो, मैंने सिर्फ ये कटिंग से लगाया था। और ये देखिए आप, रूट इसकी यहाँ पर भी कितनी सारी रूट निकली हुई है। तो बहुत सारी इसकी रूट निकली है, तो इसको ज़्यादा लटक गया और मैं सोच रही इसको पानी में ग्रो करूँ। तो पानी में ग्रो करेंगे इसको। तो मैं कुछ इसकी डंडियाँ ले लेती हूँ। इसमें भी बहुत सारे निकले हुए हैं। इधर ये देखिए आप, कितनी सारी बाहर लटकी हुई है ये यहाँ से। और ये मोटी मोटी भी इसकी टहनियाँ हो गई है, काफ़ी मोटी हो गई है टहनी इसकी, ये देखिए। और सबके साथ रूट है, और साथ साथ ये सूख भी जाती है। इसे कुछ ना पत्तियाँ सूख जाती है, जो नीचे की होती है ना, ये पत्तियाँ सूख जाती है। तो मैं इसमें से कुछ ले लेती हूँ यहाँ से, जो नीचे लटकी हुई है वो मैं निकाल लेती हूँ इसमें से। मैं इसकी रूट देखिए आप, कितनी सारी रूट आई हुई है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ यहाँ से। और एक यही ले लेती हूँ इधर से। ये दो मैंने ले ली है इसकी, दो डंडियाँ ले ली है इसकी। ये मैंने सब भी इसकी सूखी पत्तियाँ भी साफ कर ली है, और इसमें जड़ें भी बहुत आ रखी है। और मेरे पास एक ये जार है, तो मैं इसको पानी में ग्रो करूंगी। इसमें इसके अंदर स्टोन डाल दिए हैं, और अब इसमें पानी डाल देंगे। और हमारा पॉट है तैयार, और कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और ये सेट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। मैंने इसमें स्टोन डाल दिए, और भी अच्छा लग रहा है ये। आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अच्छी ही ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।